हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से आ गए हैं अबरार भाई की शॉप में और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कितने सारे एक्सेसरीज हैं और एक यहाँ वोल्क्सवैगन पोलो भी है जिसमें एक्सेसरीज अभी लगाई जा रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है। और यहाँ पे आज हम फॉग लैंप्स और मैटिंग और विंडो फिल्म्स और क्रेटा जैसी साउंड आने वाली एक हॉर्न का सेट भी लगाएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी एक्सेसरीज का कॉस्ट कितना आया, तो आपको अगर ये कॉस्ट सही लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है या कम है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, सो दैट दूसरे जो एक्सेसरी खरीदने वाले कस्टमर्स हैं या जो लोग भी अपने कार में एक्सेसरीज लगाना चाहते हैं, अपने टाटा पंच में एक्सेसरीज लगाना चाहते हैं, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन, एक कुछ सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं ये वाला जो हॉर्न है ये हम लगाने वाले हैं। ये कौन सा ब्रांड का है? ये ग्लाइडर ब्रांड का है और ये वैसे ही आवाज़ आता है जैसे क्रेटा में आपको मिलता है। तो अभी मैं हॉर्न बजा के चेक करूंगा कि इसकी आवाज़ कैसी है। इसमें दो टोन आते हैं, एक ये हाई टोन है और ये लो टोन है। देख सकते हैं इसकी आवाज़, अभी भी भाई ने हॉर्न बजाया, बिल्कुल क्रेटा जैसी आवाज आती है और ये जो पुराने हॉर्न है उससे ज्यादा आवाज आती है इसमें। अभी आप देख सकते हैं ये जो लाइट्स हैं ये फॉग लैंप हैं, ये नॉर्मल हैलोजन फॉग लैंप हैं। ये इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। ये H11 सॉकेट के साथ आता है और इसे लगाने के लिए हमें यहाँ इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं टाटा वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके ये जो एक रिमूवेबल कैप दे दिया है, इसमें सिर्फ 3 स्क्रू होते हैं। तीन स्क्रू खोलते ही ये जो कैप है यहाँ से ऐसे निकल जाता है और आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जैसा चाहे फॉग लैंप लगा सकते हैं। देख सकते हैं अभी मैं ये फॉग लैंप ले रहा हूँ, इसकी प्राइस मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो अभी जो प्लान है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले हम सोच रहे थे कि ये वाला प्रोजेक्टर लाइट लगाएंगे, उसके बाद हमने सोचा कि ये अच्छा रहेगा लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं मिलती है। अबरार भाई बोल रहे हैं कि ये वाला लगाओ, ये लेंस वाला है, ये फैक्ट्री से लेंस के साथ आता है और इसमें जो बल्ब है वो इनबिल्ट है, तो इसे कहते हैं, अबरार भाई इसे क्या कहते हैं बताइए। ये ग्लाइडर ब्रांड का है और इसको ये एक्चुअली में ये जो इसके पहले जो फॉग लैंप था वो HJZ का था। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये भी सेम ब्रांड है लेकिन ये ज़रा सा थोड़ा बेसिक सा है, ये बहुत कम कीमत का है। और ये जो है ये ग्लाइडर ब्रांड का है, ये IPV राइट, क्या बोलते हैं, IPH, इसे IPH कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और इसकी रोशनी जो है ये नॉर्मल से फॉग लैंप से 10 गुना ज़्यादा है। ये नॉर्मल फॉग लैंप है आप देख सकते हैं और ये थोड़ा सा फैंसी टाइप का है, इसमें आपको सिर्फ बेजल दिखाई देता है और रोशनी उतनी अच्छी नहीं आती। इसमें आपको रोशनी सबसे ज़्यादा मिलेगी, महंगा है, चीज़ अच्छी है और फिटिंग करने में भी आसान है। आप दिखा सकते हैं ये जो इसका जो बिजल है, हमने इसमें फिट करके टेस्ट किया है, ये बिल्कुल ऐसे ही एकदम कॉपलर टू कॉपलर फिट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अभी हम ये जो फॉग लैंप है ये अभी हम इसमें लगाने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो कप है ये बेसिकली हमने अभी जो निकाला है अनस्क्रू करके, अब इसे हम लोग हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद इसे हम लोग आसानी से ब्लेड से कट करेंगे। ये
बहुत ही ईजिली फिट हो सकता है। ये देखिए आप कितने आसानी से ब्लेड से कट कर रहे हैं। इस वाले में खासियत ये कि ये कैनवस के साथ आता है और ये इनबिल्ट बल्ब भी है, तो कैनवस होने की वजह से इसमें आपको अलग से रिले लगाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली ऐसे बम्पर में फिट कर सकते हैं और डायरेक्टली वायर को जो है यहाँ से वायर कनेक्ट हो जाएगा आपके जो पार्किंग लाइट्स हैं उसके सॉकेट के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि फॉग लैम्प का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सिल्वर कलर का बेजल है जो कार के बम्पर के कलर से कॉन्ट्रास्ट करता है, ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये लेंस थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो जब भी आप इस तरह के फॉग लैम्प लगाएं तो जस्ट मेक श्योर दैट इट फिट्स विद इन द सॉकेट और ये बम्पर के लेवल पे हो। आप देख सकते हैं ये मैंने बिल्कुल बम्पर के लेवल पे ये लगाया है, तो ये थोड़ा सेफ़ भी रहता है इन केस अगर कोई पत्थर टकरा जाए तो ये टूटने के भी चांसेस रहते हैं। इसके बैक साइड में चार स्क्रू होते हैं दैट होल्ड्स दिस फॉग लैम्प इन इट्स प्लेस और ये इससे ये ना तो ये शेक होता है और ना ही ये वाइब्रेट होता है एंड इट लुक्स वेरी नाइस। तो हमने यहाँ पे एक रिले का भी कनेक्शन दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो वायर है ये रिले का वायर है, ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड होगा, मैंने अभी फ़िलहाल बाहर रखा है ताकि मैं वीडियो बना के आपको दिखा सकूं कि हमने कैसे कनेक्शन किया है। रिले में चार वायर होते हैं, एक वायर बैटरी से कनेक्ट होता है, दूसरा फॉग लैम्प से कनेक्ट होता है, तीसरा स्विच से कनेक्ट होता है और चौथा आर्थिन होता है जो कार की बॉडी से कनेक्ट होता है। तो हमने ये वायर जो है यहाँ से लेके उस होल पे भेजा है और वहाँ से डैशबोर्ड के नीचे से होते हुए ड्राइविंग सीट के पास स्टेयरिंग के पास हमने वहाँ से वायर को निकाला है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने ये वायरिंग कैसे की है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक स्विच लगाया है, ये ऑन ऑफ का स्विच है अपने फॉग लैम्प के लिए और यहाँ एक सर्किट बोर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे भी एक सर्किट बोर्ड दिया हुआ है, आप चाहें तो इसमें भी कनेक्शन कर सकते हैं। मैंने कनेक्शन यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं ये वायर जो है इंजन बे से आया है और यहाँ डैशबोर्ड के नीचे से होते हुए यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ है इस स्विच पे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है। तो होता ये है कि ये जो इसका वायर का कनेक्शन है इसे मैंने यहाँ पे भी दे रखा है ये जो पार्किंग बल्ब के स्विच के साथ में, तो जब मैं पार्किंग बल्ब ऑन करता हूँ तो ये भी एक्टिवेट हो जाता है, ये फॉग लैम्प का स्विच है, अब ये ऑफ़ है, अब मैं इसे प्रेस करूँगा तो फॉग लैम्प ऑन हो जाएगा, इसके बाद मैं ऑफ़ करके फिर से ऑन करूँगा तो फॉग लैम्प का कलर जो वाइट है वो येलो हो जाएगा, फिर से ऑन ऑफ़ करने पर फॉग लैम्प का कलर जो है ये येलो प्लस वाइट हो जाता है। तो अगर मैं बाई चांस यहाँ से भी बंद करता हूँ तो ये भी ऑफ हो जाता है। सो अगर इन केस अगर आप फॉग लैम्प ऑफ करना भूल गए हैं और पार्किंग बल्ब भी बंद करना भूल गए हैं तो इन केस कार अगर आप लॉक करते हैं तो 10 सेकंड के बाद ये अपने आप ही पार्किंग बल्ब और फॉग लैम्प दोनों को ही ऑफ कर देगा, इससे आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है और आपको आपकी बैटरी ड्रेनेज भी कम होती है।